हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी तक मुझे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ चुके हैं अभी तक कि सर, अगर टारगेट नहीं हुआ तो कंपनी कितना दिन तक मुझे रखेगी, कितने दिन के बाद निकाल देगी। चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, सबके मन में ये प्रश्न जरूर होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके क्यों ना आप लोग के जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब में जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कितने दिन तक के चलेगी। एक दिन की रहेगी, दो दिन की रहेगी, दो साल का रहेगा, पांच साल का रहेगा कि दस साल का रहेगा। प्राइवेट जॉब में आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, आपके काम के आधार पे, आपको जो काम सौंपा गया है उसको अगर आप अच्छे से करते हैं, करते रहेंगे, तो आपकी जॉब एकदम सिक्योर रहेगी, आपको कोई कंपनी से नहीं निकाल पाएगा। तो अगर आपको जो काम दिया गया है, तो एमआर का क्या काम होता है? एमआर का काम होता है कि उसको डॉक्टर से मिलना होता है, उसको मेडिकल वालों से मिलना होता है, उसको स्टॉकिस्ट से मिलना पड़ता है, और डॉक्टर से मिलकर के अपने दवाई के बारे में बताना होता है और अपने दवाई का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवाना होता है। ये उसका काम हो गया। और उसके अलावा उसको मंथली टारगेट दिया जाता है जिसको उसको पूरा करना होता है। तो कई लोग के, सभी लोग के मन में बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अगर मैं टारगेट न करूं तो क्या मुझे कंपनी निकाल देगी क्या। देखो, सबसे पहले तो आप लोग पॉजिटिव सोचना शुरू करो। हर कि निगेटिव हर बात में अगर सोचोगे कि निगेटिव निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही रिजल्ट आएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पॉजिटिव से वे में आप काम को करो और ये करो, सोच के करो कि मैं टारगेट कर लूंगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। तो आप अगर आप अपना अच्छा से काम कर रहे हो तो कंपनी आपको नहीं निकाल लेगी। अब देखो, कंपनी जो अगर आपको ली है तो आपको निकालने के लिए थोड़ी ली है। आपको इतना सारा इंटरव्यू होता है, प्रोसेस होता है, एरिया मैनेजर फिर आरएसएम लेता है, फिर कंपनी में इंटरव्यू लेता है, तो आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी देखता है, तभी तो वो आपको लिया है ना। तो लिया है काम करवाने के लिए, आपको रखने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि आपको निकालने के लिए लिया है। तो आपको लिया है कंपनी काम कराने के लिए, तो आप लोग पॉजिटिव वे में सोचे। और देखो, मैं ऑनेस्टली बात बताता हूं आपको, इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको पता है कि मैं एकदम फैक्ट्स बातें बताता हूं। तो पहले का जो सिनेरियो था ना मार्केट का, वो ये था कि अगर कोई फ्रेशर बंदा या एक्सपीरियंस बंदा कोई नई कंपनी ज्वाइन करता था तो उसको 6 महीने तक उसको मार्केट समझने के लिए कंपनी टाइम देता था, 3 महीने 6 महीने। उस समय भी प्रेशर होता था, उस समय भी टारगेट के लिए पहले महीने से ही बोला जाता था। आज भी आपको जब भी जिस ही भी महीने ज्वाइन करोगे कंपनी, उसी महीने से आपको टारगेट करने के लिए बोलेगी, लेकिन फिर भी आपको 3 महीने 6 महीने का समय देगी आपको सीखने के लिए, करने के लिए। फिर अब इसको गारंटी मत लेना कि 3 महीना होता है या 6 महीना। बाद में कमेंट करके मुझे यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर, आपने तो बोला था कि कंपनी 3 महीना 6 महीना का टाइम देता है लेकिन मुझे निकाल दिया। इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कंपनी अगर ली है तो आपको काम करने में, सीखने में उसको भी पता है कि टाइम लगता है। तो आप डे वन से ही आप अपना काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे, आप कंपनी के जो नॉर्म्स है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। कंपनी के नॉर्म्स क्या होते हैं कि उसको 10 डॉक्टर या 12 डॉक्टर दिन का मिलना रहता है ना। कंपनी जो भी प्रोडक्ट या स्ट्रेटजी बनाती है उसको आपको अच्छे से मार्केट में इंप्लीमेंट करना है और आपको टारगेट अचीव करना है। तो अगर आप पॉजिटिव में ये सब चीज़ करेंगे तो आपको इस सब चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कंपनी आपको निकालती है तो निकालने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी को आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा निकालने से पहले, ताकि आप दूसरा कंपनी ढूंढ पाओ। तो ये एक नियम होता है कि आपको कंपनी 1 महीने का नोटिस देगी, या फिर आप भी अगर कंपनी छोड़ोगे तो आपको भी कंपनी को 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन ये जो 1 महीने का नोटिस वाला बेनिफिट है वो तभी मिलता है जब आप कंपनी के कन्फर्म इंप्लाई हो जाते हो। कन्फर्मेशन कब होता है और कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो 3 महीना 6 महीना, ये हर एक कंपनी का पीरियड अलग होता है, कोई 3 महीने में करती है, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में। तो जितना जल्दी आप अच्छा काम, अच्छा अगर अच्छा ज्वाइन किए हो और अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हो, तो 3 महीने में 6 महीने में साल भर में कंपनी आपको कन्फर्मेशन देगी। कन्फर्मेशन देने के बाद बहुत सारे कंपनी में जो बेनिफिट्स होते हैं,
वो आपको मिलना चालू हो जाता है। जैसे कि कईक में पीएफ का बेनिफिट कंफर्मेशन के बाद मिलता है, कईक में बोनस का बेनिफिट मिलता है कंफर्मेशन के बाद, कईक में जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो मिलता है। और एक और बेनिफिट ये जो मैंने बताया कि अगर आपको कंपनी निकालेगी तो आपको एक महीने का नोटिस कंपनी देगी, तभी आपको निकालेगी। और अब आप भी जब कंपनी को छोड़ेंगे तो आपको कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा एक मंथ के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो आपको ये सब चीज के टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छे से करिए, ईमानदारी से, और टारगेट तो मार्केट ऊपर नीचे होगा तो ये चीज कंपनी भी समझती है। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको नहीं निकालेगी, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो भी चीज डाउट था कि कंपनी कितने दिन में निकालेगी वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।